अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटी। जय श्रील प्रभुपाद। राधा मां जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनाचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्रील प्रभुपाद की जय। राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। जय समवेत भक्त वृंद। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज का हिंदी अनुवाद है जय समवेत भक्त वृंद। तो आप लोगों को बोलना चाहिए हरे कृष्णा। जय समवेत भक्त वृंद। जय समवेत भक्त वृंद। जय समवेत भक्त वृंद। जय श्रील प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
लिखे हैं जगन्नाथाष्टकम का पहला श्लोक लिखा गया है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा आभीरी नारी वदन कमल आस्वाद मधुपह रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चित पदह जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसी चौथाई पद को आप लोग बोल दिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित कभी कभी कालिंदी तट श्री जमुना जी के तीर पर उगे हुए विपिन वन में संगीत तरला अपनी बांसुरी पर गीत गाते हुए जो नृत्य करते हैं, रास विहार करते हैं। मुदा परम आनंद में आभीरी गोप की नारी गोप नारी अर्थात गोपियां गोपियों के बदन कमला मुख कमल को आस्वाद पीते हुए मधुपह जो भौंरे के समान हैं, जैसे भौंरा कमल के फूल पर मंडराता रहता है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ श्री राधा रानी के मुख कमल के आस्वाद में सदा लोलुप रहते हैं, और जिनके चरणों की सेवा रमा लक्ष्मी शंभु भगवान शंकर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अमरपति और देवताओं के राजा इंद्र और गणेश श्री गणपति जी, इन सब के द्वारा अर्चित पदह जिनके चरणों की अर्चना होती है, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे नेत्र पथ में उदित होकर अर्थात हमें दर्शन देकर आनंदित करें। साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक रचा है जगन्नाथ जी के बारे में, उसी को जगन्नाथाष्टकम कहते हैं। स्वयं गौरचंद्र के मुख कमल से निकला हुआ ये 8 श्लोक है।
जिसमें पहला है कदाचित कालिंद तट विपरीत तरल हो, जगन्नाथ जी वास्तव में वृंदावन निवासी हैं। वृंदावन मूल स्थान है, वहां से फिर जगन्नाथपुरी गए हैं और भी कई क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन मूल जो भूमि है भगवान की वो है मथुरा वृंदावन। जो जगन्नाथ जी नीलाचल में रहते हैं, श्री विग्रह रूप से विराजते हैं, परंतु कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, कभी जमुना जी के तट में उगे हुए वन अर्थात वृंदावन में संगीत तरला, गीत संगीत गाते हुए तरला, वे नृत्य करते रहते हैं। जैसे यहाँ श्री मंदिर में भगवान हैं तो ये राधा रास बिहारी हैं, रास बिहारी, तो संगीत तरलह का अर्थ है जो रास लीला में थिरकते रहते हैं, नाचते रहते हैं। कहाँ? कालिंदी तट पर जो वन है जमुना के किनारे, वृंदावन, बहुत से वन हैं कालिंदी के तट पर, जैसे 5 वन पूरब हैं पूर्वी तट पर और 7 वन पश्चिम तट पर हैं। पूरब तट पर जैसे महावन, लौह वन, भंडीर वन, भद्र वन, इस तरह के वन हैं, और पश्चिमी तट पर श्री वृंदावन, मधुबन, ताल वन, कुमुद वन, काम वन, ये सब वन हैं। तो इन्हीं वनों में श्री जगन्नाथ जी नाचते रहते हैं, कभी गाय चराते हैं, वास्तव में गाय चराना ही उनका मुख्य काम है, पर गोचारण करने में ही वे नाचते रहते हैं, क्योंकि गोचारण उनके लिए परम आनंदमय लीला है। तो वही प्रभु राधा रास बिहारी जी यहाँ बने हैं, वही कालिंदी के तट से ये समुद्र तट पर आ गए हैं। उस समुद्र तट पर वैसे भी जगन्नाथ जी रहते हैं नीलाचल में, और श्री राधा रानी के मुख कमल पर भौंरे की तरह आसक्त हैं जगन्नाथ। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, मुदा अभीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप। भगवान जगन्नाथ जी राधा रानी के मुख पर इतनी आसक्ति से देखते रहते हैं कि जैसे भंवरा कमल के पुष्प पर आसक्त रहता है। इसीलिए श्री जयदेव महाकवि ने, भक्त ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद रचा। जगन्नाथ जी इसको बहुत पसंद करते हैं। जगन्नाथ जी का यह स्वभाव है, वो ब्रज की गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं उसी का वर्णन किया गया है, अभीर नारी, अभीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप।
गोपियों के मुख को भगवान पीते रहते देखते हैं, जैसे भौंरा कमल पुष्प के पराग को पीता रहता है। ये और कितने महान हैं भगवान, ऐश्वर्य कैसा है। रमा शंभु ब्रह्मा अमर पते गणेशार्चित पद, भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों की पूजा रमा देवी करती हैं, रमा लक्ष्मी जी। लक्ष्मी और शंभु, भगवान शिव, ब्रह्मा और श्री ब्रह्मा जी, अमरपति, देवताओं के राजा इंद्रदेव और गणेश गणपति जी, ये सारा महाराष्ट्र गणपति जी की पूजा करता है। और गणपति जी के स्वामी श्री जगन्नाथ जी हैं गणेशार्चित पद, जिनके पद चरण गणेश के द्वारा, श्री ब्रह्मा के द्वारा, शंकर जी के द्वारा और देवराज इंद्र के द्वारा पूजित हैं। ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन की हम कामना करते हैं। वे जगन्नाथ जी कृपा करके आँखों के सामने उदित हों, नयन पथ गामी, हमारे नयन जहाँ तक जा रहे हैं तो वहाँ वे नयन पथ में उदित हो जाएं, गामी आ जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, नयन पथ गामी भवतु मतलब मुझे दर्शन दें, मुझे आनंदित करें। जहाँ तहाँ भगवान श्री विग्रह के रूप में विराजते हैं। श्री विग्रह का अर्थ होता है, विग्रह का अर्थ है कलेवर, बपू, शरीर। और श्री भगवान के शरीर के लिए या किसी भी अंग के लिए श्री शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर हाथ का वर्णन हुआ कहा जाएगा श्री हस्त, और उपमा जो कमल से श्री हस्त कमल। ऐसे ही भगवान के समग्र शरीर को विग्रह कहते हैं, परंतु भगवान का शरीर चिन्मय है, दिव्य है, इसीलिए उसमें श्री विशेषण दिया जाता है, श्री विग्रह, भगवान का स्वरूप है। तो जहाँ तहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया है। जगन्नाथपुरी में जो नीलाचल पर्वत के ऊपर मंदिर है, वो स्वयं ब्रह्मा जी के प्लान से बना है। महाराज इंद्रदुम ने उसे बनवाए थे, लेकिन वास्तव में मास्टर प्लान ब्रह्मा जी का था और आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी थे। वो मंदिर आज भी है। इसी तरह श्री वृंदावन में अर्चा विग्रह हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी, श्री कृष्ण बलराम और अनेक विग्रह हैं, अनेक श्री विग्रह। तो यही पद्धति आचार्यों ने चलाया है। भगवान का दर्शन हमें करना है तो कहाँ करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा मंदिर बनाया। श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने
पहले सोचा कि केवल पुस्तक प्रकाशित किया जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को जब पुस्तक वितरण से सफलता मिली, कुछ अर्थ प्राप्त हुआ और कुछ भक्तों ने सहायता की, तब श्रील प्रभुपाद जी संसार भर में मंदिर बनाने की बात सोची। सबसे पहले श्री मायापुर, वृंदावन और बॉम्बे, तीन मंदिर भारत में स्थापित करने की सोचे। तो सबसे पहला मंदिर भारत में प्रभुपाद जी ने बनाया वो है हैदराबाद का मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर। यह एक प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में भगवान श्री मूर्ति के रूप में रहते हैं? अवश्य रहते हैं। एक भक्त हुए हैं नारायण भट्ट, जो गुरुवायूर मंदिर में रहते थे। गुरुवायूर मंदिर का निर्माण स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और वायु देवता मिल करके किए, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है वो मंदिर, साक्षात देवताओं ने बनाया, बृहस्पति जी ने, जिनको गुरु कहते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, और वायु देवता है, इसीलिए उसको गुरु वायु, गुरु और वायु का गुरु वायु। तो जब श्री विग्रह स्थापित हुआ वहाँ, तो बहुत जन लोग साउथ इंडिया से उसके दर्शन के लिए इकट्ठा होते थे और बहुत आनंद में रहने लगे। तो नारायण भट्ट जी एक कविता में लिखते हैं कि अहो कष्टा सृष्टि चेष्टा, मैं ये समझता था कि ये भगवान जो सृष्टि किए हैं, दुनिया बनाए हैं, ये केवल जीवों को दुख देने के लिए बनाए। वो कहते हैं मैं पहले सोचता था अहो अहो ते सृष्टि, अहो कष्टा ते सृष्टि इत्येवं पूर्व मालोचितम। पहले मेरी ये धारणा थी कि भगवान इस जगत को बनाए हैं जीवों को कष्ट देने के लिए, लेकिन हे प्रभु, जब से मैंने आपका दर्शन किया गुरुवायूर में, तब से मेरी धारणा बदल गई। अब ये विचार नहीं है कि कष्ट देने के लिए बनाए, नहीं, ये सबसे बड़ा आनंद देने के लिए भगवान सृष्टि किए हैं। यदि जीव की सृष्टि आप नहीं करते, तो आपका ये चिन्मय अप्राकृत जो स्वरूप है, इसको अपने आँखों से, अपने कानों से, कैसे लोग पीते? साक्षात भगवान का दर्शन कैसे मिलता? तो ये श्री विग्रह के रूप में जो भगवान का दर्शन मिलता है, ये बहुत बड़ा आनंद है। ये नेत्र से और श्रोत्र कान से भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को सुनना, ये परम आनंद है। नेत्र से
भगवान का दर्शन का आनंद, कान से उनके कथा का आनंद और जिह्वा से उनके नाम का उच्चारण इस आनंद, ये तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि यदि ये सृष्टि नहीं हुई होती तो इन जीवों को ये सौभाग्य कैसे मिलता है? तो यही सौभाग्य देने के लिए भगवान सृष्टि किए। तो सृष्टि में मुख्य है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना और नेत्र से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना और कान से भगवान की लीलाओं को सुनना। यह अमृत सुधा का समुद्र है, बहुत बड़ा आनंद है इस जगत में। तो सृष्टि में ये सब चीज सुलभ है, इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने मंदिर बनवाया, मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना किया, जहाँ लाखों लोग आ सकते हैं, भगवान का दर्शन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन करके और कथा सुन करके। ये गुरुवायुर के श्री कृष्ण को देख करके नारायण भट्ट जी कहते हैं कि अगर जन्म नहीं हुआ होता, सृष्टि नहीं हुई होती तो ये सब आनंद कैसे मिलता। भगवान का बपू श्री विग्रह चिद रसाद्रम, चित रस है, कॉन्शस ब्लिस, चिन्मय आनंद है। ये विश्वास करना चाहिए, इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के भगवान का नाम काम कर देता है, लेकिन श्री विग्रह में श्रद्धा होनी चाहिए कि ये भगवान हैं और हमारे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं। यह सत्य है, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए ही अर्चावतार धारण करते हैं, जिससे हम भगवान से कुछ कह सकें, अपना सुख अपना दुख, क्योंकि वही जगत बंधु हैं। जगत के सभी जीवों के एकमात्र बंधु, एकमात्र माता पिता भाई मित्र सब कुछ वही हैं, इसीलिए इनको जगन्नाथ कहते हैं। बंधु जगताम, समस्त जीवों के बंधु हैं, भगवान से हमारा संबंध है जगन्नाथ जी से, और सबका संबंध है, सभी जीवों के वे नाथ हैं, रक्षक हैं। केवल मनुष्यों के ही नहीं, सभी जीवों के, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सबको जीवन दे रहे हैं। इसी विशेषता के कारण श्री कृष्ण का नाम है जगन्नाथ, जगत के समस्त जीवों के वे बंधु हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, गीता में भगवान कहते हैं ना, मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ, सबका हित करने वाला और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखने वाला। सुहृद उसी को कहते हैं जो कुछ बदले में चाहे ना, अपनी प्रशंसा न चाहे या कोई पैसा न चाहे, और बिना अपेक्षा के जो हित करे। तो भगवान हमारे ऐसे सुहृद हैं जगन्नाथ देव।
इसीलिए अर्चा विग्रह का प्रतिदिन दर्शन करना, पूजन करना, कीर्तन करना आवश्यक है। असली बंधु, बंधु का अर्थ है मित्र, भाई, माता पिता, अपना जो भी संबंधी कहिए, ये सब बंधु हैं। लेकिन कोई थोड़े काल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई 100 साल के लिए बंधु। लेकिन श्री कृष्ण अनादि काल से अनंत काल तक हमारे बंधु रहेंगे। वो कभी स्नेह टूटेगा नहीं भगवान का। जीव उनका स्मरण करे या न करे, वे सदा स्मरण करते हैं, वे सदा इसका ध्यान रखते हैं कि ये जीव हमारे हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जगन्नाथ जी का ये विचार है कि ममई वांसो जीव भूत, जीव मेरा ही अंश है। एवक लगा रहे हैं भगवान, ये कह मेरा ही अंश है और किसी का नहीं। और जो संबंध संसार में हैं वे बिल्कुल फाल्स हैं, झूठे हैं। हम केवल मान लिए मन में ये मनोमय संबंध है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति सोचता है कि ये हमारा भाई है या हमारी पत्नी है या हमारा बेटा है, ये बिल्कुल सपना जैसा भ्रम है, वास्तविक नहीं है। जैसे सपना में यदि कोई व्यक्ति विवाह कर ले, वो सब देखेगा कि हम जा रहे हैं ससुराल, विवाह हो रहा है, उधर से कन्या आ रही है, लेकिन जगने के बाद न तो विवाह है, न बारात है, न कन्या है, कुछ नहीं। ऐसे ही यह भ्रम है संसार, और संसार के नाता सभी क्षणिक हैं। असली नाता कृष्ण से है, जगन्नाथ जी से है, और सदा रहेगा। हम चाहे याद करें या न करें, ये संबंध रहेगा। हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उस संबंध को याद करें। हम कीर्तन करें, प्रणाम करें और दर्शन करें। तो अपना जो काम है वो करना चाहिए। सबका अपना काम यही है, भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, कीर्तन करना अर्थात जप करना महामंत्र का। देर श्री विग्रह इस जगत में स्थापित करके बहुत महान उपकार किया है आचार्यों ने। सर्वत्र सुलभ है भगवान का श्री विग्रह। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, परंतु कहीं भी भगवान नारायण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में जगन्नाथ जी ही हैं। तो इस जगत में यही बहुत बड़ा आनंद है, यही बड़ा सुख है। और तो सब वास्तव में कष्ट ही है, पर इतना सुख है कि भगवान का नाम बोल लेना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, ये आनंद है। और इसको माइनस कर दिया जाए तो सब केवल दुखालयम, दुख ही है। न
नारायण भट्टरी कहते हैं, पहले हमारी ये धारणा थी कि संसार दुखमय है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब भगवान का श्री विग्रह संसार में मिल गया। अब दर्शन करना है और भगवान की कथा सुननी है। तो वही जगन्नाथ जी जो समुद्र के तट पर विहार करते हैं जगन्नाथपुरी में, वो यहाँ रास बिहारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। रास बिहारी जो रास में विहार करते हैं या रास विहार करते हैं। रास अनेक श्री गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और अपने ही स्वरूप भूत, अपने से पृथक नहीं है गोपियाँ, कृष्ण ही राधा रानी के रूप में हैं, गोपियों के रूप में, ललिता विशाखा के रूप में, सभी गोपियों के रूप में, और स्वयं अपने साथ नृत्य करते हैं। आनंद प्रदान करते हैं, अपना आनंद, चिन्मय आनंद। गोपियों के मन में बहुत काल से अभिलाषा थी कि हम सर्वस्व त्याग करके कृष्ण के साथ हो जाए, तो भगवान ने स्वयं ही बांसुरी बजा करके उनको बुलाया, वे सर्वस्व त्याग करके कृष्ण के पास आ गई। और यह रास विहार स्वच्छंद लीला है परम पुरुष की, परब्रह्म की, जहाँ कोई लौकिक नियम नहीं, समस्त मर्यादाओं से अतीत यह लीला है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का, श्री कृष्ण का दर्शन करना और उनके सामने कीर्तन करना, नृत्य करना, तथा उनकी लीलाओं को सुनना, यह बहुत बड़ा सुख है। श्री भगवान जब कोई विशेष लीला करते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। जैसे आज भगवान जगन्नाथ जी स्नान करेंगे, स्नान यात्रा, और 10 तारीख को भगवान की रथ यात्रा है। रथ यात्रा के बाद वे अपने मौसी के घर गुंडीचा रानी के महल में चले जाते हैं। जगन्नाथ जी की अजीब लीला, वे बहुत खाते हैं, बहुत बार भोग लगता है, इसीलिए खाते खाते बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो बीमारी के समय में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी बहुत बड़े भोग के रूप में, बहुत बड़ा बड़ा आइटम, बहुत मात्रा में दिया जाता है, तब वे बीमारी से मुक्त होते हैं। यह सब लीला है कृष्ण की। जब भगवान भी अधिक खाने से बीमार हो जाते हैं तो मनुष्य अधिक खाने से क्यों नहीं बीमार होगा, इसीलिए खाने में कंट्रोल रखना चाहिए। आदमी जितना खा करके बीमार होता है उतना बिना खाए बीमार नहीं होता है,
खा करके ज्यादा बीमार होता है, ये देखा गया है। तो भगवान ये भी शिक्षा देते हैं, हिसाब से खाओ, शरीर चलाने के लिए खाना है, ये नहीं कि शरीर चलाएंगे खाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाएंगे पेट्रोल पीने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। अगर बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलने लगे तो कौन आदमी डालना चाहेगा। ऐसे ही कम खा करके या हवा पी करके भी यदि शरीर चल जाए तो बहुत अच्छा है। नारद जी कहते हैं राजसूय सभा में महाराज युधिष्ठिर से, मुझे आश्चर्य है कि लोग पानी पी करके ही क्यों नहीं रह जाते हैं। आश्चर्य करते हैं नारद जी, उनका तो शरीर चिन्मय है, वो लोग तो रह सकते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य वारी से पानी से भी क्यों नहीं संतुष्ट हो जाता है। तो यदि पानी पीने से संतोष न हो तो ठीक है कुछ भोजन कर लिया जाए, लेकिन अब पूरे पेट भर करके भोजन न किया जाए। योग शास्त्र बताता है कि आधा पेट अन्न से भरना चाहिए और चौथाई पेट को पानी से भरना चाहिए, और हवा आने जाने के लिए छोड़ देना चाहिए चौथाई। चौथाई भाग खाली रहे, हवा की जगह चाहिए ना पेट में जाने के लिए, सांस प्रश्वास के लिए। तो केवल अगर 100% इस पेट को भर दिया जाएगा अन्न से तो बीमार नहीं होगा आदमी, क्या होगा, बीमार तो होगा ही। 25% पेट का अंश हवा के लिए रहना चाहिए और 25% में जल, और केवल आधा पेट खाना है। यह जीने की कला है, भगवान ने इसे बताया है। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से बात बताया, इस तरह से खा करके और भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एकादशी जो होती है वो मायापुर में रहते तो भी हम मनाते हैं, वृंदावन में भी एकादशी करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी का क्या है? कोई भक्त लोग बोलते नहीं वहाँ कुछ। वहाँ भगवान के प्रसाद की महिमा अधिक है। जगन्नाथ जी भात खाते रहते हैं तो जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, भगवान का प्रसाद बहुत दुर्लभ है, इसीलिए जगन्नाथपुरी में प्रायः एकादशी नहीं रखा जाता है। लेकिन हम इस्कान के भक्त तो वहाँ भी एकादशी रखते हैं। जो प्रभुपाद जी का आदेश है वही करना है हम लोगों को, ऐसे नियम बहुत हैं,
सारी दुनिया में देखा जाए तो अनेक पंथ हैं, अनेक प्रचार हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन हमें चलना है अपने ही ट्रैक पर। हमारा ट्रैक कौन है? जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है, बस। अतः चाहे जगन्नाथपुरी में है, चाहे मायापुर में या वृंदावन में, एकादशी तो करना ही है। और लोग नहीं करते हैं तो अब उनका ट्रैक है, वो जैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पथ तो श्रील प्रभुपाद ने निश्चित किया है, वही करना है। एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशी को विशेष भजन करना चाहिए, उसको हरिवासर दिवस कहते हैं या माधव तिथि। ऐसे तो पूरा जीवन कृष्ण के लिए है, भजन के लिए है, लेकिन उसमें भी एकादशी तो और कोई काम करने के लिए नहीं है, केवल नाम जपने के लिए, भजन के लिए है और भोजन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि एकादशी को भोजन नहीं करेंगे अब क्या करें, एकादशी को फास्ट न करके अब फीस्ट करेंगे, यह अज्ञान है, यह धर्म का उल्लंघन है। वास्तव में यदि उपवास न रख सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा जल पी लें, जल भी अगर पर्याप्त न पड़े तो थोड़ा फल खा लें, कोई अग्नि पर पकाया हुआ कोई भोजन न करें। एकादशी को एक नियम रखना चाहिए। याद रखिए कि अन्य तिथियों पर जो भजन किया जाएगा वही भजन यदि एकादशी को होता है तो उसका ज़्यादा महत्व होता है, हजार गुना ज़्यादा। और कोई जप, दान, तपस्या यदि धाम में किया जाता है, वृंदावन धाम में, मायापुर में, तो उसका हजार गुना फल होता है। यदि वृंदावन में कोई एक माला जप करता है तो हजार माला का लाभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अब एक माला जप ले और सोचे कि अब तो 16 माला हो ही, इसमें हजार माला इंक्लूडेड है तो 16 क्यों नहीं है। तो अन्य तिथियों की अपेक्षा एकादशी महारानी का बहुत महत्व है। तपस्या, नहीं खाना और अधिक जप करना, पढ़ना, और भी अनेक प्रकार की भक्ति है, तो वही करना चाहिए एकादशी को। और लोगों के विषय में मत देखिए क्या करते हैं, प्रभुपाद ने क्या कहा है वही देखना है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी और कृष्ण है, जगन्नाथपुरी में विदेशी लोगों को अलाउड नहीं अंदर दर्शन के लिए, क्या वो लोग ऐसा बोलते हैं, सुना है कि वो लोग जगन्नाथ जी विदेश चले जाएंगे तो इसलिए वो लोग आने नहीं देते विदेशी लोगों को अंदर, अमेरिकन अफ्रीकन लोगों को, वो लोग चेक करते हैं। वो हम नहीं जानते हैं क्यों नहीं जाने देते हैं, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु भी उस नियम को माने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये हिंदू परिवार में, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन
वे मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे, बहुत बड़े बड़े पद पर थे, और सब छोड़ करके वे भक्त हुए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी नहीं कहे कि तुम मंदिर में प्रवेश करो, जबकि चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे चाहते तो राजा को आज्ञा दे सकते थे, महाराज प्रताप रुद्र को, कि इनको मंदिर में जाने दो, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा। ये लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, तो ये हरिदास की हरिदास ठाकुर की कुटिया में ठहरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहीं जाकर दर्शन करते थे, उनसे भेंट करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इसको इसका विरोध नहीं किए, ये सामाजिक नियम था तो वो नियम ठीक है, जैसे भी बना होगा वो ठीक था, तभी न चैतन्य महाप्रभु उसका अनुमोदन किए। वे हरिदास ठाकुर को नहीं कहे कि तुम जाओ मंदिर या मेरे साथ चलो। रथ यात्रा के समय सभी को जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था, लेकिन मंदिर में जाना है मना था। तो उसके विषय में हम क्या कहें, जो भगवान ने किया है चैतन्य महाप्रभु ने वही मानना है सही, और जो ठीक है जो सामाजिक ट्रेडिशन है उसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। जगन्नाथ जी तो सुलभ हैं ही, भारतवर्ष के प्रत्येक शहरों में और गांव में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ जी समुद्र पार करके चले गए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, तो वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में ही घुसकर दर्शन करें, नहीं। जगन्नाथ जी अगर आ रहे हैं अपने घर तो वहीं दर्शन करें, अपने देश में करें, और कोई नियम को तोड़ करके ऐसा न सोचें कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। कोई भी भक्त होगा हरिदास ठाकुर से बड़ा तो हो नहीं पाएगा, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से सब पीछे ही रहेंगे। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम तो प्योर हैं, हम भक्त हैं, हमको जाने में क्या हर्ज है, मंदिर में जाएंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मंदिर वाले धक्का दे करके गाली देते हुए निकाल ही देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को भी मारने के लिए दौड़े थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार गए जगन्नाथ मंदिर में, वे भावावेश में थे, वे जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए चल दिए, तो आलिंगन कर नहीं पाए, मंदिर में गिर गए, बेहोश हो गए। तो उन लोगों ने समझा, मंदिर के पंडों ने समझा कि ये मर गया, बेहोश हो गए, तो मारना चाहते थे, निकलो निकलो मंदिर से बाहर। पर उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए, उन्होंने देखा, लक्षण से समझ गए कि ये कोई महापुरुष हैं और कृष्ण भक्ति का विकार है, मरे नहीं हैं, और रुई नाक के पास ले जा करके रखे रुई, तो उसमें स्पंदन था, अभी सांस चल रही थी, तब वे उठवा करके कुछ लोगों से भगवान को अपने घर ले गए। तो आजकल के भक्त यदि ये सोचें कि हम तो प्योर हैं, हम तो भगवान का नाम जपते हैं, तो कोई कितना जपता है, क्या हरिदास ठाकुर से बढ़कर जप लिया,
अपने अंदर दीनता होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर सोचते थे कि मैं तो अधम हूँ, मैं जवन जाति में जन्म लिया हूँ, तो भगवान के मंदिर में क्या उस रास्ते पर भी जाना मेरे लिए उचित नहीं है जिस पर जगन्नाथ जी चलते हैं, या जिस मार्ग में पुजारी लोग आते जाते हैं वहाँ भी जाना ठीक नहीं है, हमसे कोई छुआ जाएगा, हमसे महापाप हो जाएगा। तो जो मूड सनातन गोस्वामी का था, हरिदास ठाकुर का था, वही मूड होना चाहिए। यदि हमको परमिशन होता है दर्शन करने का तो करें, नहीं तो जगन्नाथ जी का स्मरण करें, उनके चक्र का दर्शन करें, मंदिर के शिखर का दर्शन करें। कभी मंदिर में बने हुए नियमों की अवहेलना ना करें। जैसे आपके मंदिर में यदि कोई व्यक्ति बाहर का आवे और कहे कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, ठीक हूँ, मैं आपके डीटी रूम में जाऊँगा, डीटी का चरण छू सकता हूँ, तो क्या आप अलाउ करेंगे? नहीं, क्योंकि नियम है कि पहले सेकंड इनिशिएशन ले करके ब्राह्मण हो जाओगे, और वो भी हमारे स्कान के गुरुओं द्वारा, तब तुमको एडमिशन हो मिलेगा। तो ये हमारा नियम है, तो उसी तरह से नियम है जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो जो मंदिर के नियम है उसको हमें अवे करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसमें दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए कि ये लोग मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। और उसके पीछे एक इतिहास है, उड़ीसा का इतिहास बताता है कि एक बार एक मुसलमान मंदिर को तोड़ दिया था, और जिसने कोणार्क मंदिर को तोड़ा, कोणार्क को क्षतिग्रस्त कर दिया बिल्कुल, और जगन्नाथ जी के मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश किया, और थोड़ी सी हानि कर दिया, लेकिन श्री हनुमान जी गरज दिए, वो सब गिर करके भाग गया। तो उसी समय से मुक्ति मंडप ने ये निर्णय लिया, जो ब्राह्मणों की सभा है जिसको मुक्ति मंडप कहते हैं जगन्नाथपुरी में, तो ब्राह्मणों ने नियम बना दिया कि इसमें कोई भी हिंदू जाति से भिन्न, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन या पारसी कोई भी हो, इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए, जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए नियम बनाए। तो नियम बड़े ही सोच समझ कर बनाए गए, उसमें हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो नियम है सब अच्छे हैं। हरे कृष्ण महाराज, अपने जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में काफ़ी महिमा बताई, परंतु हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग प्रसाद खाते हैं, बहुत सारा फेंकते हैं, तो उस परिणाम क्या होता है? फेंकते हैं, हमारे आश्रम में भी हम देखते बहुत सारे भक्त प्रसाद लेते हैं और बाकी का कुछ जो नहीं पसंद है वो फेंक देते हैं, यानी अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं, तो फेंक देने के बाद उसका परिणाम क्या है? फेंकना तो नहीं चाहिए, तो प्रसाद के बहुत जीव अधिकारी होते हैं ना, ऐसे कुछ पक्षी हैं, कुछ कुत्ते हैं,
कुछ आदमी हैं, प्रसाद यथाजुग बांट देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, फेंकने पर तो अपराध लगेगा, परंतु प्रसाद समझ करके आवश्यकता से अधिक पेट में कर ले यह भी ठीक नहीं है। प्रसाद के बहुत अधिकारी हैं, बहुत जीव हैं, तो उनको देना चाहिए जथा योग्य। पहले तो विवेक होना चाहिए, जितना हम खा सके उतना ही लें, खाने वाले को इतना चेतना रहती है ना कि मैं कितना खाऊंगा, तो खाने के पहले एस्टिमेट करना चाहिए इतना खाऊंगा, अगर उसमें से कदाचित छूट जाए तो अन्य जीवों को दे दें, लेकिन इतना ना छूट जाए कि जो हमारे एस्टिमेट से बहुत बाहर हो। इस प्रकार जिसको ये अंदाज नहीं है कि मैं कितना खाऊंगा और ये भी ज्ञान नहीं है कि कितना खाना चाहिए, वो तो बिल्कुल पशु जैसा है। तो परोसने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति इतना खा सकता है, अब उससे दुगना पत्तल में डाल देना ये भी ठीक नहीं है। तो प्रसाद डीटी के समान आदरणीय है, भगवान के समान, तो सबके लिए है ना, वो जहाँ तक हो सके प्रसाद बांटना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसके लिए ये शब्द दिया, डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। डिस्ट्रीब्यूट में तो दो ही डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, प्रसाद बांटो। प्रसाद वो ईट प्रसादम, ये बहुत कम जगह प्रभुपाद जी ने कहा। प्रसाद बनना चाहिए जिसको हम विस्तार कर सके, अधिक से अधिक जीवों को मिल सके, अधिक से अधिक मनुष्यों को। इसी में हमारी महत्ता है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे बोला गया जय गौर, तो इधर से सुनाई पड़ता। हाँ जी महाराज। महाराज जैसे बोला गया जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है वो कृष्ण है, वो गौरंग महाप्रभु है, और जैसे नित्यानंद जो है वो बलराम जी है, और सुभद्रा महारानी क्या है हम लोगों को मालूम नहीं, गौरीलीला में तो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मालूम नहीं सुभद्रा जी भगवान की खास बहन है? नहीं, गौरंग महाप्रभु की लीला में क्या है? आप पूछ रहे हैं जैसे कृष्ण जगन्नाथ हैं, हाँ जी, गौरचंद्र हैं, तो सुभद्रा जी चैतन्य लीला में क्या है? हाँ जी महाराज, वे हमको मालूम नहीं, हम केवल इतना ही जानते हैं कि कृष्ण बलराम भाई हैं और सुभद्रा जी बहन हैं। जो बात मालूम नहीं है तो उसको हम क्या बतावें, जो भी बताएंगे तो गड़बड़ बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे। जब मालूम नहीं है तो मैं कह ही रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। महाराज और एक क्वेश्चन है, जैसे कि बोलते थे वृंदावन में
एक माला करेगा तो हजार माला का फल मिलता है। कभी कभी इस्कन के भक्त लोग सोचेंगे अरे अच्छा है, हम वृंदावन में रहेंगे, धाम में रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हम एक बीच बाजार में रहेंगे जहाँ पे माया का नगरी है, हम वहाँ रह के प्रचार करेंगे, भगवान सेवा करेंगे। कभी कभी भक्तों की इच्छा होता है कि हम लोग उधर ही रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी परपट में लिखें कि ज़्यादा वहाँ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा में गड़बड़ करेगा तो फंस जाएगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा है वृंदावन का सेवन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रहने से यदि अपराध हो तो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पर हम इतने समर्थ नहीं हो गए कि हम बीच माया के नगर में रहें। हम क्या नगर में रहें, माया के नगर में हमारी दुर्दशा हो जाएगी। वो तो बहुत बड़े बड़े भक्तों के लिए है कि माया में रहो समाज में और समाज का प्रभाव न होने दो, समाज को चेंज कर दो। सबके लिए संभव नहीं है, इसीलिए भगवान के धाम का आश्रय लिया जाता है। जैसे कोई कहे कि यहाँ मंदिर में रहने की क्या आवश्यकता है, कहीं भी कोई रहे सब जगह भगवान की भक्ति हो सकती है, हो सकती है। लेकिन मंदिर में जो सुविधा है, जो भगवान के बारे में सुनने को मिलता है, कीर्तन मिलता है, दर्शन, ये सब चीज़ सुलभ नहीं है सब जगह। ऐसे ही भगवान के धाम में स्पेशल फैसिलिटी है कृष्ण का स्मरण करने की, जैसे गिरिराज परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करनी है, वहाँ सब लोग यही करते रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक ही अपना मन रम जाता है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन के प्रारंभ में बताया कि जगन्नाथ अष्टकम चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के द्वारा उदित है, और हम ऐसा जानते हैं, कहीं किताबों में भी ऐसा लिखा है कि ये श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, तो स्पष्टता करेंगे। नहीं, हम तो यही पढ़े हैं, जगन्नाथ अष्टक चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला। जैसे कि मैंने चर्च में थोड़ा देर के लिए प्रे करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बताया कि सबका गुरु सिर्फ एक ही गॉड है, और जब इस्लाम के आदमियों से बातें किया तो उन्होंने भी बताया कि एक ही सिर्फ खुदा है, मगर हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है तो 33 कोटि देव है, पर रियल क्या है? एक ही गुरु हमारा कृष्णा है कि बजरंगबली है, काली माँ है, दुर्गा माँ है, सिर्फ हिंदू धर्म है? इसके बारे में हमें पूछना था। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक ही गुरु है कृष्ण, लेकिन उसकी परंपरा है। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास देव को दिया, वेदव्यास देव जी ने माध्वाचार्य को दिया, और इसके बाद बहुत सी परंपरा में लोग आए हैं, तो बहुत गुरु हैं। इस परंपरा का ज्ञान उन लोगों को बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहते हैं एक गुरु है, वो है गॉड। ये कहने का मतलब है कि तुम किसी को गुरु मत मानो, भगवान को गुरु मानो, और भगवान
क्या है, वो शून्य है, कोई आकार नहीं है। वो कभी न बोला है न आगे बोलेगा, वो गुरु कैसा है, ये सब थर्ड क्लास का विचार है। आप गलत जगह पर जा करके सुन लिए। मगर श्री साईनाथ भी तो बोला सबके मालिक एक है। मालिक तो एक है, लेकिन आप और जगह जाकर कहिए कि कोई मालिक नहीं है, कोई कंपनी चलाने वाला नहीं है, तो वहाँ काम चलेगा? वहाँ तो मालिक स्वीकार करना पड़ेगा जॉब के लिए, काम के लिए। लेकिन तत्वतः मालिक सबका, सारे जगत का एक ही है, वो ठीक है। और वो मालिक है कृष्ण, उसका नाम है, उसका रूप है, उसके कुछ कर्म हैं, लीलाएं हैं। ऐसा नहीं को मालिक हवा जैसा हो गया, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। जो सबका मालिक एक, तो उसका नाम क्या है? कृष्ण। सभी कृष्ण के दास हैं। एक्चुअली मेरे पूछने का मतलब यही था कि जैसे बुद्धा हो गया, बुद्धा धर्म में भी सिर्फ एक ही गुरु को मानते हैं, हमारे जो कल्चर है उसमें सिर्फ हम किसको माने, कृष्ण को माने कि 33 कोटि देवी को माने? पहले आप भगवत गीता पढ़िए चाहे सुनिए, तब पता चलेगा। जय श्री कृष्ण। परंपरा को स्वीकार करते हैं कि नहीं? आप ये विधि को मानते हैं कि नहीं कि एक व्यक्ति ज्ञानी है, वो फिर दूसरे को ज्ञान दिया, तीसरे को ज्ञान दिया, इसको मानते हैं ना? स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, गए हैं, तो वहाँ पढ़ाने वाले की एक परंपरा होती है कि एक व्यक्ति पढ़ करके आया है, वो प्रोफेसर है, पढ़ाता है, उससे फिर दूसरे पढ़ते हैं, तीसरे पढ़ते हैं, इस तरह कई टीचर हो जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ गुरु से अगर कोई पढ़ा है, जैसे ब्रह्मा जी पढ़े हैं, तो उनसे फिर नारद जी पढ़े, नारद जी से वेदव्यास भी पढ़े, और वेदव्यास जी ने बहुत पाठशाला खोल करके पढ़ाया लोगों को। इस पद्धति को मानते हैं ना? यह कहना बहुत आसान है, डिनाई करने के लिए अन्य गुरुओं को कि एक ही गुरु है परमात्मा। तो परमात्मा ज्ञान की परंपरा नहीं चालू कर सका, एक ही ज्ञानी है और बस ज्ञानी बना रहेगा, किसी को ज्ञान नहीं देगा। लेकिन हमारे कृष्ण तो ज्ञान दिए अनेक ऋषियों को, और ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस तरह से भगवान का ज्ञान परंपरा द्वारा आता है, जैसे गंगा जी का पानी नहरों से खेत में पहुंच जाता है, वैसे ही परंपरा होती है। भगवान का ज्ञान अब तक आ रहा है। आप उनसे पूछे नहीं कि भगवान तो गुरु है, तो उसका कोई ग्रंथ है, उसका कोई उपदेश है, और उसको कोई ग्रहण किया कि नहीं? भगवान कैसा गुरु है कि एक भी चेला नहीं बनाया, और न तो किसी को गुरु बनने दिया? वो तो कहने का मतलब है कि मैं भगवान हूँ, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है और मैं हूँ। वो सब बकवास है, वो कुछ भी बोलते हैं तो
ठीक नहीं है, ठीक है भगवत गीता एज इट इज। हमें भगवत गीता की बात को स्वीकार करनी चाहिए, उसके अलावा उसके विरुद्ध जो है वो बकवास है। भगवान को पूछते हैं, और हमें आपके जैसे गुरु भी बताए थे कि कोई ऐसे भी हैं कि दुर्गा को नहीं पूजे करके भगवान को पूजो, श्री कृष्ण को बहुत बार मैंने सुना हूँ भी। कृष्ण परम ईश्वर हैं और उनके अधीन अनेक ईश्वर हैं, उनसे अनेक लोग हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था, हम कृष्णा को माने कि 33 कोटि देव को माने, हमारे जो हिंदू कल्चर में जैसे वो लोग मानते हैं कि हमारे गुरु एक हैं। वो जिस पद पर हैं, जैसी स्थिति है, उसके अनुसार मानिए। देवता हैं, वे अधिकारी हैं इस संसार में, लेकिन में ग्रेड है कौन किस पावर का है। जैसे देश में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो और भी लोग देश में कुछ बड़े बड़े पदों पर हैं, जैसे गवर्नर है किसी राज्य में। तो आप पूछेंगे कि हम किसको माने, तो आप गवर्नर को भी मानिए, लेकिन गवर्नर मानिए, राष्ट्रपति को मानिए राष्ट्रपति के रूप में। यह नहीं कि किसी को भी राष्ट्रपति मान लिए और राष्ट्रपति को एक नौकर मान लिए, यह भ्रम है। और बल्कि राष्ट्रपति को आप जाकर प्रचार कीजिए, वो निराकार है, वो कोई रूप नहीं है उसका, यह गलत बात होगी। जो जैसा है उसको उस रूप में मानना। बहुत देश में आदमी है, सबको मानना है ना, लेकिन जो जिस रूप में है उसी रूप में माने। कृष्ण सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और देवता वो छोटे छोटे पदों पर हैं, अधिकारी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अधीन हैं। तो सबका मालिक एक कृष्ण, यह बात। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जो पांडवों का जो दुख था, कष्ट था, वो उनके पिछले जन्मों का ये था या भगवान का विष था? नहीं, वे तो भगवान के पार्षद थे पांडव, उन पर कोई आगे पीछे का पूर्ण पाप नहीं था और समस्त कर्मों से मुक्त थे। भगवान की इच्छा से उनको दुख हुआ, इसी कारण से कुंती महारानी जो पांडवों की माता है, वो भगवान से मांगती है कि हमको हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रहे। कोई विपत्ति थोड़े मांगेगा भगवान से, लेकिन वो मांग रही हैं, क्योंकि विपत्ति में भगवान सहायता करने आते थे। तो यह भगवान की ही इच्छा थी, अपने कर्म का फल नहीं था पांडवों के जीवन में, वे तो नित्य पार्षद थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे वेद और पुराण ये सत्यता प्रमाणित करते हैं, तो अगर वेद और पुराण में जो इनके रचयिता हैं, शायद हमें उतना ध्यान नहीं है, वेद व्यास जी महाराज जी हैं, तो वो तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त खुद ही थे, उन्हें तो शायद ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। और इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, उन्होंने वेद और पुराण की रचना की, रचना करने के बाद उन्होंने इस भ्रम में पूरे समाज को डाल दिया कि शिव पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, नाना प्रकार के पुराण लिखे उन्होंने। अगर भगवान एक ही है तो नाना प्रकार के पुराण लिखने की जरूरत क्या थी? अगर पुराण लिखे भी थे,
रास्ता मार्ग उन्होंने दिखाया भी तो ठीक था, तो एक ही जन को केंद्रित करते जो कि सर्वश्रेष्ठ थे, और वो सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण भगवान, तो उन्हीं को केंद्र में रखते। लेकिन उन्होंने कभी शिवपुराण में शिव जी को केंद्र में रख दिया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को केंद्र में रख दिया, गरुण पुराण में और किसी को केंद्र में रख दिया, तो सबको उन्होंने केंद्र में रख रख करके और समाज के अंदर एक भ्रमित प्रश्न जो डाल दिया है, ये कहाँ से इतने बड़े महापुरुष की कहाँ से ये अज्ञानता थी उनकी की ज्ञानता थी, ये समझ में नहीं आता नहीं, है नहीं, और अभी तक लोग भ्रम में हैं। सुनिए, उन्होंने जो कुछ लिखा वो सबके हित के लिए लिखा। हित प्रभु जी समझ में आए तो हित हो ना, जब समझ में आता ही नहीं है तो हित कहाँ से पैदा हो। समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने की उन्होंने कोशिश किया है। सारे ग्रंथों के सार को उन्होंने लिखा, ब्रह्म सूत्र दिया सूत्र, और फिर ब्रह्म सूत्र भी कठिन पड़ गया समझना, तो उन्होंने स्वयं भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र की टीका किया, वो है श्रीमद् भागवतम। प्रभु जी तो जो शिव पुराण पढ़ते हैं और शिव जी की महिमा को बड़ा समझते हैं, या गरुण पुराण पढ़ते हैं वहाँ पे विष्णु जी की महिमा है, तो इन पुराणों को केवल पढ़ लें इसके ऊपर में अवलोकन न करें, इसके बारे में ध्यान न रखें क्या? केवल पढ़ने के लिए है बस, इसको मतलब व्यवहार में लाने के लिए नहीं है नहीं, कि हम शिव जी को शिव जी शिव पुराण के लिए है तो, शिव जी को सुप्रीम मानने वाले लोग हैं उसको पढ़ें। पढ़ने से फायदा ये होगा कि कम से कम सदाचार आ जाएगा जीवन में। जो शिव जी को सुप्रीम मानते हैं तो उसके अनुसार जैसे मांस न खाना और भी दुराचार आदि न करना, ये इतना सीखेंगे शिव जी को बड़ा मानेंगे तो। क्योंकि कुछ जीव कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो तमोगुण में ही रहते हैं, और वे यदि कृष्ण को आप बड़ा बताइए तो उनके समझ में बात आएगी नहीं, अतः शिव जी को बड़ा बता करके उनकी मति को शिव जी के अनुसार की जाती है। ये पद्धति है वेदों की कि तमोगुण से रजोगुण पर आए और रजोगुण से सतगुण में आए और सतगुण से फिर निर्गुण गुणों से रहित स्थिति। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है उनको तमोगुणी देवता को ही बताना होगा, और रजोगुण में है तो उनको रजोगुणी देवता का परिचय देना होगा। इसीलिए पुराणों में इतना भेद है, सब प्रकार के मनुष्यों पर दृष्टि है वेदव्यास देव की। अगर आप कह दीजिए कृष्ण की भक्ति करो तो अधिकांश मनुष्य तो तमोगुण में हैं, वो इस बात को नहीं मान पाएंगे, नहीं मान पाते हैं, प्रकट दिखाता। अगर कहा जाता है कि स्नान करना चाहिए तो कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं स्नान की क्या जरूरत है, क्या बिना स्नान के हम नहीं खा सकते हैं? अरे खा सकते हो, तो आप दुनिया में प्रचार करके देख लीजिए कि अधिकांश तमोगुणी मनुष्य हैं, वो तमोगुण में रहना अच्छा मानते हैं, तो इसीलिए तमोगुणी देवता को ही सुप्रीम मान करके चलते हैं। इसीलिए पुराण में भी कभी कभी शिव जी की कभी गणपति जी की कभी माता दुर्गा की प्रशंसा की गई है। केवल उस कैटेगरी के लोगों की मति को लगाने के लिए हायर करने के लिए एक सीढ़ी नीचे, जैसे हम बड़े ऊंचे भवन पर चढ़ना चाहते हैं तो कई सीढ़ियां होती हैं, तो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी ऐसे बढ़ते बढ़ते पहले हम तमोगुण से मुक्त होंगे तो एकाएक निर्गुण नहीं हो पाएंगे।
एकाएक प्रकृति के गुण को नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए पहले रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण में से फिर विकास करके तब सत्गुण में आएंगे, और सत्गुण के बाद तब निर्गुण प्लेटफार्म ट्रांसडेंटल। तो वेदव्यास देव की यही पद्धति है, उन्होंने इस तरह से हित किया समग्र मानव जाति का। आप जरा विचार कीजिए, सारे संसार में जितने मनुष्य हैं उसमें अधिकांश मांस खाते हैं, और मांस ही नहीं गो मांस बीफ खाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को यदि तमोगुण से उठाने के लिए किसी रजोगुणी देवता का वर्णन किया जाए, तो उसके चलते अगर मांस खाना छोड़ दें, बीफ खाना छोड़ दें, तो एक स्टेप आगे बढ़े ना, तो ये वेदव्यास देव की पद्धति है। कम से कम भगवान शिव के भक्त तो गोमांस नहीं खा सकते हैं, एक स्टेप विकास हुआ ना। इस तरह से करते करते धीरे धीरे वे सभी दुर्गुणों से पार हो जाएंगे। निर्गुण मतलब गुणों से परे लेना है, जीव को उठाना है। माया बंधन क्या है? प्रकृति के गुणों में हम फंसे हैं, तो गुणों का अतिक्रमण एकाएक नहीं किया जा सकता, क्रम से होता है। प्रभु जी, जैसे शिव जी को सुप्रीम मान के अगर शिव के नज़दीक मतलब उनकी तपस्या में उनकी कृपा से वहाँ तक पहुँच गए, और अंत में शिव जी ने यह कहा कि हम तो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम तो कृष्ण जी हैं, तो बचपन में से लेकर के उस स्टेज तक जब तक वो शिव के शरण तक नहीं पहुँचा वो भक्त, तब तक वो तो शिव जी को सुप्रीम मानता था, और उसके बाद जब शिव जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी को मानिए, पास पहुंचा शिव जी तो बताते हैं, तो उसके मन अचानक कैसे बदलेगा, ऑटोमेटिक कैसे, वो बटन तो स्विच तो है नहीं कि तुरंत दबाओ तो चेंज हो जाए, तो अपने मन को कैसे बदलेगा कि अभी तक हम तो शिव जी को सुप्रीम समझते थे, अब ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी को मानिए। वचन से शिव जी के वचन से समझेगा, शिव जी के आचरण से। शिव जी इतने बड़े विरक्त हैं, वो क्या काम करते हैं, तुम अपनी राम राम दिन रात सादर रट हूँ अनंग आराती, शिव जी रात दिन राम राम रटते रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो शिव जी से वो सीखेगा ना कि सुप्रीम वास्तव में कोई और है जिसका भजन शिव जी स्वयं करते हैं, वो है जगन्नाथ जी, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदा। शिव जी स्वयं भजन करते हैं भगवान का, तो शिव जी तक पहुंचना चाहिए पहले, तो शिव जी के आचरण से वचन से वो स्वयं समझ जाएगा। और यदि बहुत एक्सपर्ट गुरु मिले कृष्ण भावनामृत का, तो वो तो तत्काल ही एलिवेट कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अमेरिका के लोगों को या भारत के ही लोगों को ये पाठ नहीं पढ़ाया कि पहले तुम शिव की उपासना करो या सूर्य की उपासना करो, दुर्गा की उपासना करो, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। सीधे मुक्त कर दिया, गोमांस खाते थे, शराब पीते थे, उनको उन्होंने सिद्धांत बताया सही सही कि वास्तव में जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो उन लोगों ने ये सब तर्क नहीं किया कि शिव कृष्ण ही क्यों सुप्रीम है और क्यों नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा बखेड़ा है,
अगर कृष्ण का भजन करने को कहिए तो ला करके कम से कम 2-4 हजार या 33 करोड़ खड़ा कर देते हैं कंपटीटर। ये भी भगवान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तो उनको रखा ही नहीं, कृष्ण को रखा, और उन लोगों ने मान लिया जो सत्य सिद्धांत है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यदि ऐसा कोई समर्थ हो तब कोई जरूरत नहीं है अन्य पुराणों की, अन्य देवताओं की। ये सब प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि इतने भक्त सत्य बात को समझ गए और कृष्ण को समर्पण किए, और उनकी मति को फिर कोई डिगा नहीं सकता। कोई चर्च हो या चाहे साई फाई हो, अब कृष्ण भावना में अडिग हैं भक्त, वे डिग नहीं सकते। तो हमारे कल्चर में एक ही ग्रंथ है, भगवद गीता जथारूप। नहीं नहीं, किसी में कुछ नहीं है, सबका सार है भगवद गीता। भगवत गीता जथारूप पढ़िए, सभी वेद पुराण का सार है। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद।